फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डबल डेकर सूटकेस स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डबल डेकर सूटकेस स्टिच किया है। देखिए, इसमें हमने फ्रंट साइड में ये जिप से पॉकेट दी है, इसमें हम ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है। इस साइड अपना कुछ भी आप सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से और इस बैग को हम देखिए इस साइड से ओपन करेंगे। और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है। इस साइड अपने कपड़ों को आप अच्छे से सेट करते हुए इसमें रख सकते हैं। इसमें अपने सामान को सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। ऐसे ही हम सेकंड पोर्शन को भी ओपन करेंगे। ये बैग देखिए पूरा ऐसे हमारा ओपन होगा और इसमें भी हमने इस साइड एक बड़ी पॉकेट दी है, इसको हम ओपन कर देंगे और इसमें भी अपना कुछ भी सेट करते हुए इस पॉकेट में जिप से इसको यहाँ से। और इस साइड भी देखिए उतनी ही स्पेस है दोनों पोर्शन में। इस साइड भी अपने कपड़ों को आप अच्छे से सेट करते हुए रख सकते हैं। अपने सामान को देखिए इस साइड भी सेट करते हुए इसको जिप से लॉक कर दीजिए। अपने सामान को देखिए इसमें सेट करते हुए आप देखिए इस हैंडल से इसको कैरी कर सकती हैं और इस हैंडल से भी कैरी कर सकती हैं और इस साइड से भी इस हैंडल से आप कैरी कर सकती हैं। जिस एंगल से आप इसको कैरी करना चाहें उस एंगल से आप इसको कैरी कर सकती हैं। देखिए बैग इस साइड से देखिए कुछ ऐसा है और इस साइड से देखिए ये बैग बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है। इसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान सेट करते हुए रख सकते हैं और इस बैग को आप स्टिच करके अपने टू ब्लैंकेट्स इसमें दोनों पोर्शन में सेट करते हुए भी रख सकते हैं। अगर आपको ये हमारा डबल डेकर सूटकेस पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये डबल डेकर सूटकेस स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डबल डेकर सूटकेस बनाने के लिए हमने 15x21 के 2 कुल्टेड पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने सारे पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 15x21 के 2 कुल्टेड पीसेस लेने हैं और 3 हमें प्लेन पीसेस लेने हैं 15x21 के। और ये हमने 5x61 के देखिए 2 कुल्टेड पीसेस लिए हैं और 6x11 के ये हमें 2 कुल्टेड पीसेस लेने हैं। 21 इंच की ये हमें 2 जिप लेनी है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है और 61 इंच की ये हमें 2 जिप लेनी है और दोनों में हमें डबल रनर्स लेना है। थर्टी सिक्स इंच की ये हमें एक बेल्ट लेनी है। सबसे पहले हम 15x21 का ये कुल्टेड पीस लेंगे। ये 15 का साइड है और ये 21 का साइड है। तो 15 की साइड में एक साइड से हम यहाँ पर 4 इंच पे देखिए डाउन करते हुए मार्क करेंगे। डाउन करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे 4 इंच पे डाउन करते हुए साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे कुल्टेड पीस को कट कर लेंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और अब ये हम 21 इंच की इसमें से हम एक जिप लेंगे और जिप को हम कुल्टेड पीस पे अटैच करेंगे। जिप का राइट साइड और कुल्टेड पीस का राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए इस साइड हम स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस कुल्टेड पीस को हम इस पर अटैच कर देंगे। कुल्टेड पीस में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम मेज़र करेंगे। जिप लगाने के बाद कुल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये हमें 15x21 का कुल्टेड पीस रेडी करना है। तो जिप लगाने के बाद ये पूरा हमारा 15 इंच पे रेडी हो गया है। अगर आपका कुल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता हो तो उसको स्टिच करके एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर लीजिएगा। और अब हम देखिए इस साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। 10.5 इंच पे यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे
और इस मार्क वाले पॉइंट को हम इस साइड से देखिए 7.5 इंच पे इस साइड से इसका सेंटर मार्क करेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट से हम देखिए 3 इंच इस साइड से मार्क कर लेंगे और इस साइड से भी मार्क वाले पॉइंट से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है ये वाला मार्क वाला पॉइंट देखिए 7.5 इंच पे ऐसे हम डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब ये हम हैंडल लेंगे। ये हमने 36 इंच का एक हैंडल लिया है, इसमें से हम 3 हैंडल्स कट करेंगे। तो इसको हम 11.5 इंच पे ऐसे देखिए डाउन करते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे और इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे। और इस पार्ट को हम ऐसे डबल करते हुए इसको भी हम सेंटर से कट कर लेंगे। 3 हैंडल्स हमारे देखिए रेडी हो गए हैं। इसमें से पहले एक हैंडल को हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये जो हैंडल है हैंडल में हम इस साइड से देखिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब इस हैंडल को हम ये जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट को ये जो 2 इंच पे इसमें मार्क किया है दोनों पॉइंट्स को देखिए ऐसे मिलाते हुए सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। और ऐसे इस साइड भी ये जो हमने 2 इंच पे इसे मार्क किया है और ये जो हमने सेंटर से 3 इंच पे मार्क किया है दोनों मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए इस साइड भी हम पिन अप करेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया हैंडल को और अब हम देखिए इस साइड से हैंडल को अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और 2 इंच पे जो मार्क किया है स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही इस साइड से फोल्ड करते हुए हैंडल को हम इसमें अटैच कर देंगे कुर्ते पीस में। हैंडल को हमने देखिए कुर्टेड पीस में दोनों साइड से अटैच कर दिया है और अब हम देखिए जिप को ओपन करके इसमें रनर डालेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब ये हम 15x21 का एक प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम इस कुर्टेड पीस को रखते हुए पिन अप कर लेंगे और राउंड में स्टिच करते हुए प्लेन पीस को हम कुर्टेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को कुर्टेड पीस में अटैच कर दिया है। देखिए एक हमारी बड़ी पॉकेट जिप से रेडी हो गई है कुर्टेड पीस में। और अब देखिए हम 5x61 की ये दोनों कुर्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 61 इंच की दोनों जिप लेंगे। दोनों कुर्टेड पीस में हमें जिप को अटैच करना है। जिप का राइट साइड और कुर्टेड पीस का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे रखते हुए हम सीधे स्टिच करके जिप को अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और ऐसे ही इस जिप को हम इस कुर्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब देखिए जिप को ओपन करके दोनों जिप में हम डबल रनर्स डाल देंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स 6x11 का ये हम दोनों कुर्टेड पीसेस लेंगे और ये जो जिप वाला पार्ट है इसको हमें इसमें अटैच करना है। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखेंगे, दोनों पार्ट्स को ऐसे सेट करते हुए ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग के साथ में हम दोनों पार्ट्स को ऐसे सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को ऐसे पाइपिंग के साथ में अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस कुर्टेड पीस को हम इसके साथ में सेट करते हुए अटैच कर देंगे। जिप वाले पार्ट को मैंने कि दोनों साइड से पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है। देखिए साइड पे अटैच किए हैं और अब हम देखिए इसको ऐसे देखिए ओपन कर लेते हैं और ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को हम इस कुल्टेड पीस की साइड में ऐसे टर्न करते हुए डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके लॉक कर देंगे और ऐसे ही इस पाइपिंग को भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और इस पार्ट में भी पाइपिंग के साथ में हम फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर लिया है और अब हम दोनों पार्ट्स में सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए दोनों स्टिच लाइन को हम मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। पहले पिन से हमने देखिए कुर्टेड पीस को सेट कर दिया है और अब हम जिप वाले पार्ट को देखिए सेट करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे।
दोनों साइड से हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम देखिए पिन को ओपन करेंगे और जिप वाले पार्ट को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस साइड का जो सेंटर का मार्क है और जिप में जो मार्क किया है दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और जिप वाले पार्ट पे हम देखिए इस साइड से दोनों साइड से मार्क कर लेंगे और इस साइड से भी दोनों साइड से इसके हमें मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है। जैसे हमने इसमें सेंटर का मार्क किया है वैसे इस प्रिंटेड पीस में हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस क्रोटेड पीस पे भी हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और एक साइड से हमने देखिए लेडी ऑफ जनरेशन का लोगो इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्रोटेड पीस लेंगे जिसमें हमने इस पॉकेट को अटैच किया था, तो इसको भी हम पहले इस साइड से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से सेंटर का मार्क करेंगे। क्रोटेड पीस में हमने इस साइड से दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए इस साइड हम पिन अप कर लेंगे और इसको सेट करते हुए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स इस क्रोटेड पीस को हम ऐसे रखेंगे और जिस साइड हमने देखिए जिप अटैच की है उसकी दूसरी साइड पे हमें जिप वाले पार्ट को अटैच करना है, क्योंकि जो जिप वाला साइड है उसको हमें इस साइड रखना है और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए इस साइड हम पिन अप करेंगे। पिन से हमें देखिए एक साइड से सेट कर दिया है और अब हम बैक साइड में आएंगे और इस साइड भी ये जो सेंटर का मार्क है वो इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इस साइड जो हमने फोल्ड करके सेंटर का मार्क किया था इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी पिन से सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पिन अप कर लिया है और अब हम दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए जिप वाले पार्ट को क्रोटेड पीस में अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब देखिए इसको हम पलट कर फ्रंट साइड में ऐसे टर्न कर देंगे। क्रोटेड पीस को पलट कर हमने देखिए फ्रंट साइड में टर्न कर लिया है और अब देखिए हम प्लेन पीस में पहले जिप को अटैच करेंगे। ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस में हम 4 इंच पे देखिए यहाँ पर 4 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए 4 इंच पे डाउन करते हुए कट कर लिया है और अब ये हम जिप लेंगे 21 इंच की और जिप को हम प्लेन पीस में अटैच करेंगे। देखिए प्लेन पीस का राइट साइड और जिप का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे रखते हुए इसमें हम अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड पे इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। प्लेन पीस में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें रनर डालेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए प्लेन पीस को हम ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। जैसे हमने क्रोटेड पीस पे मार्क किया था दोनों साइड से वैसे ही इसमें भी हमें सेंटर का मार्क करना है। प्लेन पीस में भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम तीसरा प्लेन पीस लेंगे 15x21 का। इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर इस प्लेन पीस को ऐसे रखते हुए पिन अप कर लेंगे।
पिन से हमने देखिए दोनों प्लेन पीसेस को सेट कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड जो हमने सेंटर का मार्क किया था इस साइड, देखिए ऐसे हम चारों साइड से सेंटर का मार्क चौक से कर लेंगे। जो कट लगाया है कट पे हमें ऐसे यहाँ पर मार्क कर लेना है, साइड से ऐसे कर देंगे। और ये हम उल्टे पीस वाला पार्ट देंगे और इसको हम इस साइड देखिए अटैच करेंगे। जिस साइड हमने देखिए ये जिप वाला पार्ट अटैच किया है उसको हम इस साइड अटैच कर लेंगे जिस साइड ये जिप वाला पार्ट है। तो दोनों सेंटर के मार्क से मिलाते हुए इस साइड हम पिनअप करेंगे और ऐसे इस साइड भी सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम इसको भी देखिए राउंड में स्टिच करके प्रिंटेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को जिप वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। जो हमने प्लेन पीस देखिए पिनअप किया था उसके साथ ये हमारी जिप वाली पॉकेट बनके रेडी हो गई है। पिन को हम देखिए ओपन कर लेंगे और अब देखिए हम ये दूसरा जिप वाला पार्ट लेंगे और इसमें हमने जो इस साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क किया था इस स्टिच लाइन से देखिए ये हमने यहाँ पर 12.5 इंच पे देखिए ये सेंटर का मार्क किया था। तो यहाँ पर हम देखिए 12.5 इंच में देखिए इस स्टिच लाइन से 12.5 इंच पे जो मार्क किया था इस पे हम यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे और इस मार्क वाले पॉइंट को हम इस साइड से 3 इंच पे डाउन कर लेंगे। ये हमने मार्क किया और ये जो हमने इस साइड से मार्क किया था और इस मार्क वाले पॉइंट से हम इस साइड यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको भी हम इस साइड से 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर देंगे। देखिए ये हमने दोनों साइड से मार्क कर लिया है और ये हम दूसरा हैंडल लेंगे और इस हैंडल में भी दोनों साइड से पहले हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। 2 इंच पे डाउन करते हुए हमने देखिए दोनों साइड से मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको भी जो हमने मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे और इस मार्क वाली लाइन को दोनों को देखिए सेंटर में ऐसे सेट करते हुए सेट करेंगे। जो 3 इंच पे हमने देखिए साइड से मार्क किया था और इस मार्क को हम ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और ऐसे ही हम देखिए इस साइड भी जो ये मार्क किया था और इस मार्क को दोनों मार्क को सेंटर में सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए हम ये जो हैंडल है हैंडल में जो मार्क किया था इसको हम इस साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही इस साइड भी फोल्ड करते हुए हम इसमें अटैच कर देंगे हैंडल को दोनों साइड से। इस साइड भी मैंने देखिए हैंडल को अटैच कर दिया है और अब हम तीसरा हैंडल यहाँ पर देखिए इस साइड जो जिप में हमने सेंटर का मार्क किया था इस साइड से इसमें हमें अटैच करना है। और अब देखिए ये जो हमने सेंटर का मार्क किया था ये सेंटर का मार्क है और सेंटर के मार्क से हम देखिए 3 इंच पे इस साइड से डाउन करेंगे और इस साइड भी 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और इसको भी हम देखिए इस साइड से 3 इंच पे डाउन करेंगे। देखिए ऐसे करते हुए इस साइड से डाउन कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ये जो तीसरा हैंडल है इसको भी हमें ऐसे ही अटैच करना है। तो इस हैंडल में भी हम 2 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और इसको भी हम देखिए इस साइड जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे देखिए सेंटर में सेट करते हुए हम दोनों साइड से पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए हैंडल को सेट कर दिया है और अब देखिए इसको भी हम इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए ऐसे रखेंगे और स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इस साइड भी हैंडल को फोल्ड करते हुए हम अटैच कर देंगे जिप वाले पार्ट में। इस साइड पे हमने देखिए हैंडल को दोनों साइड से देखिए अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो प्रिंटेड पीस है दूसरा जो गुल्डेड पीस है 15x21 का इसको भी हम फोल्ड करते हुए पहले इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे।
क्रोटेड पीस पे हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम इस जिप वाले पार्ट को इसमें देखिए बॉटम से सेट करते हुए अटैच करेंगे। जिस साइड में देखिए जिप अटैच किया है उसकी दूसरी साइड वाले पार्ट को हमें इसमें अटैच करना है। तो ये जो सेंटर का मार्क है वो इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब इसको भी हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको भी हमने स्टिच किया। तो ये देखिए दोनों राइट साइड अंदर की साइड में ऐसे सेट करेंगे और जिस साइड हमने देखिए 6x11 का कोटेड पीस अटैच किया है वो दोनों कोटेड पीसेस देखिए एक साइड में होंगे और दोनों सेंटर के कट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे। इसको भी देखिए अंदर की साइड में कर लेंगे और इस साइड जो जिप पे सेंटर का कट लगाया था और इस कोटेड पीस में दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम पिन से सेट कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर लिया है और अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। पार्ट्स को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको काट कर राइट साइड करेंगे। टूटे पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हम इस साइड से इसको जिप से लॉक कर देंगे। जिप से हमने देखिए इसको लॉक कर दिया है और अब हमारा ये डबल पोर्शन सूटकेस बनके रेडी हो गया है। देखिए एक बड़ी पॉकेट हमारी साइड आ गई है, ये साइड अपना कुछ भी सेट करते हुए इसको जिप से आप लॉक कर दीजिए और एक बड़ी पॉकेट हमारी इस साइड है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों को सेट करके रख सकते हैं। देखिए इसमें अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है और अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इसको जिप से इस साइड से लॉक कर दीजिए। इस पोर्शन को भी ओपन करेंगे और इसमें भी उतने ही स्पेस है। देखिए इस साइड में अपने कपड़ों को अच्छे से सेट करते हुए रख सकती हैं और एक हमारी सबसे बड़ी पॉकेट इस साइड भी है। ये देखिए इस साइड भी अपना सामान अच्छे से सेट करते हुए दोनों पॉकेट्स में रखते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए। इस सामान को देखिए इसमें सेट करते हुए आप देखिए इस हैंडल से इसको कैरी कर सकती हैं, इस साइड से कैरी कर सकती हैं और इस साइड से भी इसको कैरी कर सकती हैं। इसको जिस एंगल से आप इसको कैरी करना चाहें उस एंगल से आप इसको कैरी कर सकती हैं। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है और बहुत ही यूजफुल है, इस पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को सामान को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा डबल पोर्शन सूटकेस पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।